केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि पहले कोयला ब्लॉक आवंटन और उत्पादित कोयले के आवंटन में गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब मौजूदा सरकार में इस दिशा में पारदर्शिता आई है, जिससे देश में कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है। कोल इंडिया के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कोल इंडिया के बेहतर डिजिटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सर, ओवरऑल कोल प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सर, मेन क्वेश्चन है कोल प्रोडक्शन के ऊपर, डिजिटाइजेशन और जो नया टेक्नोलॉजी कोल प्रोडक्शन में और ओवरऑल जो कोल इंडिया में और जो हमारा सब्सिडरी है उसमें डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है सर, लेकिन द लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन के लिए जरूरत है उसने हमने इस्तेमाल किया है। और जो पॉलिसी चेंजेस है, इससे पहले के 2014 माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो कोयला आवंटन में और कोयला आवंटन में जो कोल इंडिया उत्पादन करते हैं वो कोयला आवंटन में और कोयला ब्लॉक आवंटन में दोनों गफला होता था, लेकिन आज हमने इतना ट्रांसपेरेंसी लाया है कोई भी किसी भी लेवल का व्यक्ति मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति 1 किलो कोयला किसी को डिस्क्रिशनरी नहीं दे सकते हैं। 1 भी कोयला ब्लॉक हम डिस्क्रिशनरी आधार पर नहीं दे सकते, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है और इसके कारण देश में कोयला का उत्पादन भी बढ़ा है। जो सिर्फ 540 मिलियन टन होता था, इस बार हम 1 बिलियन टन हम उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है और आने वाले 2 वर्ष में पूरा सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है उसका इम्पोर्ट हम पूरा बंद करने वाले हैं। My question is, will the Minister of Coal be pleased to state whether the any cases of over-reporting of production of coal and differences in the physical stock and the book stock in West Bengal during the last 2 years and the current year have come to the notice of the government? If so, the details thereof, whether the matter has been investigated? And the second question, the number of new coal mines that have been opened by the government since the last 3 years in various areas of the country, state-wise, please state the data. Thank you. जो कुछ भी कोल प्रोडक्शन में हो और जो माइनिंग में जो कुछ भी इरेगुलरिटी होता है उसका तो कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट से ही होना चाहिए। हमने बार बार लिखते रहते हैं कि कोयला में हो और माइन्स में हो तो जो कुछ भी इरेगुलरिटीज इलीगैलिटी हो रहा है उसके बारे में, अवैध खनन वगैरह हो रहा है उसके बारे में लिखते रहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके बारे में हमने स्टेट गवर्नमेंट को कार्रवाई के लिए बहुत बार लिखा है, आगे भी लिखते रखेंगे। और इसमें जो नया जो हम कोल ब्लॉक्स के बारे में, हम अभी तक कमर्शियल कोल माइनिंग में 91 कोल ब्लॉक्स ऑक्शन किया है, उसमें तो एक्चुअली ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसमें तो कुछ प्रोडक्शन शुरू किया है। इस बार कमर्शियल कोल माइन से ही हमारा 15 मिलियन टन उत्पादन हो जाएगा, ये रिकॉर्ड है, पहली बार कमर्शियल कोल माइनिंग में हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज बीन डिमांडिंग दैट द रेट ऑफ रॉयल्टी ऑन कोल शुड बी एनहांस्ड फ्रॉम 14% टू 20% ऑन द सेल वैल्यू। द रेट ऑफ रॉयल्टी ऑन कोल हैज नॉट बीन रिवाइज्ड इवन आफ्टर लैप्स ऑफ मोर देन 9 इयर्स। विल द गवर्नमेंट कंसीडर एनहांसमेंट ऑफ रॉयल्टी on coal? Thank you. Royalty should be the whatever the royalty rate of the royalty that has to be every 3 years, not before every 3 years. It doesn't mean that every 3 years humko revise karna hi aise nahi hai, but the question is in recent years after honorable prime minister gave a direction for the auction, after that ऑक्शन रिजीम शुरू होने के बाद जो अभी प्रीमियम है वो प्रीमियम भी राज्यों को मिल रहा है, उसके साथ डीएमएफ वो भी मिल रहा है, कुल मिला के हमको एनमेट में भी कोल से हम पैसा ले रहे हैं, कुल मिला के राज्यों को प्रीमियम भी मिल रहा है,
प्रीमियम के साथ साथ रॉयलिटी के साथ प्रीमियम भी मिल रहा है और इट इज ऑन एडोलोरम बेसिस, मीन्स अगर आज को जो प्राइस है उसके ऊपर एडोलोरम के बेसिस पर रॉयलिटी और प्रीमियम दोनों चार्ज होता है। इसीलिए गत तीन चार वर्ष में, कम से कम गत तीन चार वर्ष से जो प्रीमियम के साथ हमने ऑक्शन शुरू किया और 15 से कैप्टिव माइन में जो हमने ऑक्शन शुरुआत की है उसमें तो प्रीमियम भी मिल रहा है, रॉयल्टी भी मिल रहा है। इसलिए हम अभी तो विचाराधीन में नहीं है, जब विचाराधीन हमारे हमारे कंसिडरेशन में आता है हम सोच के विचार करके बताएं।